धारदार वस्तु है, उस दिन हमें दी का हम टीका लगाए हैं उसको अपने। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि बृहस्पति बार के दिन हमें कौन कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए और कौन कौन से काम हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति बार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, बृहस्पति देव की पूजा करते हैं और सबसे जो भारी ग्रह होता है वो बृहस्पति ही माना गया है। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा साथ में की जाती है, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान होते हैं वहीं माता लक्ष्मी रहती हैं। और जब हम बृहस्पति बार के दिन पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में वैवाहिक संबंध, दाम्पत्य संबंध में जो भी दिक्कतें होती हैं दूर होती हैं, संतान संबंधी जो भी समस्या होती है, धन संबंधी, वो सब समस्या हमारी खत्म हो जाती है। और इस दिन हमें बहुत से नियम हैं जो पालन करना चाहिए। बृहस्पति बार का दिन बहुत ही खास दिन माना गया है और इस दिन हमें पीले रंग का वस्त्र जरूर पहनना चाहिए। आपके पास साड़ी हो तो साड़ी पहने, सूट पहने, चूड़ी भी उस दिन हो सके तो पीला ज़रूर पहने, क्योंकि बृहस्पति बार के दिन पीला का महत्व ज़्यादा माना गया है तो हमें पीला वस्त्र पहनना चाहिए। और उस दिन जो कुंवारी लड़की है जिनकी शादी अभी नहीं हो पा रही है, वो हल्दी युक्त, मतलब हल्दी में, जल में हल्दी मिला के वो स्नान करती हैं बृहस्पति बार के दिन बाल से, तो उनकी शादी भी जल्द हो जाती है। हल्दी को बहुत ज़्यादा ही शुभ माना गया है। भागिन महिलाएं हैं वो बृहस्पति बार को बाल नहीं धोती हैं, लेकिन जो कुंवारी लड़की है जो शादी करने योग्य है उसे जल में हल्दी मिला के वो जब बाल से स्नान करती हैं तो उनकी शादी जल्द हो जाती है। और बृहस्पति बार के दिन यानी गुरुवार भी उसे कहा जाता है, उस दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। सुहागिन महिलाएं बाल नहीं धोएंगी और नाखून भी उस दिन हमें नहीं काटना चाहिए, शेविंग वगैरह भी नहीं करने चाहिए। बृहस्पति बार के दिन अपने किचन में खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए, उस दिन खिचड़ी नहीं बनाया जाता है। और कुछ हम बना सकते हैं पीली चीज़ें उस दिन, जैसे कढ़ी हो गया, चना का दाल का हलवा हो गया, बेसन का हलवा हो गया, ये सब हम बना सकते हैं, लेकिन उस दिन हमें खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। ये दाल चावल मिला के जो हम खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी शनिवार को बनाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, लेकिन बृहस्पति बार के दिन हमें खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए। बृहस्पति बार के दिन हमें खिचड़ी भी नहीं बनाना चाहिए और मांस मछली का अंडा जो भी आप खाते हैं उस दिन सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति बार का दिन नौ ग्रह में सबसे जो मजबूत ग्रह है वो बृहस्पति है। और उस दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए और उस दिन ये सब जो मांस मछली अंडा जो भी आप खाते हैं वो अपने किचन में ना बनाएं, और खिचड़ी भी उस दिन हमें नहीं बनाना चाहिए। और बृहस्पति बार के दिन यानी गुरुवार के दिन जो भी ये धारदार वस्तु होती है, जैसे चाकू, कैंची, छुरी, जो भी ये होता है, उस दिन हमें खरीदना नहीं चाहिए। ये सब सामान हम दूसरे दिन खरीदेंगे, लेकिन बृहस्पति बार के दिन यानी गुरुवार के दिन चाकू, छुरी, कैंची, जो भी मतलब काटने वाली वस्तु है, धारदार वस्तु है, उस दिन हमें नहीं खरीदना चाहिए। और गुरुवार के दिन अपने घर से कबाड़ वगैरह नहीं बेचना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी को लाने का दिन होता है, उन्हें बुलाने का दिन होता है, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। और घर को इस दिन मतलब जो कबाड़ है, हम लोग सोचते हैं कि कबाड़ इकट्ठा किए हुए हैं और बेच देते हैं, तो
गुरुवार के दिन हमें कबार वगैरह नहीं बेचना चाहिए, इस दिन घर को हल्का नहीं किया जाता है। गुरुवार के दिन हमें अपने घर में मकरे के जाले वगैरह नहीं साफ करना चाहिए। जो भी ये डीप क्लीनिंग होता है तो हम बृहस्पतिवार को नहीं करेंगे, दूसरे दिन हम करेंगे, लेकिन सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन हमें एक्स्ट्रा कोई भी सफाई नहीं करनी चाहिए। और इस दिन हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, एक दिन सप्ताह में कपड़ा बृहस्पतिवार को धोना वर्जित माना गया है। इस दिन हमें विशेष साफ सफाई, यानी जो व्रत करते हैं वो भी और जो नहीं करते हैं वो भी, नियमों का पालन उन्हें ज़रूर करना चाहिए। बृहस्पतिवार का जब ये सब नियम का पालन करते हैं तो कम पूजा पाठ भी करें, उस दिन व्रत करें या ना करें और सब कुछ भी करे या ना करे, लेकिन अगर जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे घर में धन संबंधी, वैवाहिक संबंध, संतान संबंधी जो भी समस्या होती है वो विष्णु भगवान की कृपा से धीरे धीरे हमारे जीवन से खत्म हो जाती है। बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, एक दिन हमें मतलब पोछा स्किप जरूर करना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन आप व्रत करें या ना करें, लेकिन हल्दी युक्त जल मिला के हमें केले के वृक्ष में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और जिन लड़की की शादी नहीं हो रही है वो विष्णु भगवान की पूजा करे और बृहस्पतिवार का व्रत करे, और नहीं भी कर सकती हैं तो उस दिन जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, उनकी शादी जल्द होगी। और वार के दिन हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और जो भी हम विष्णु भगवान से मांगते हैं वो विष्णु भगवान हमारा जो मनोकामना होता है वो पूरा करते हैं। गंगा जल ले लेंगे, उसमें जल मिला के और हल्दी डाल के थोड़ा सा हम ये चना का दाल डाल देंगे और थोड़ा सा गुड़ डाल के हमें वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलते हुए हमें केले के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। आप केला का वृक्ष घर में भी लगा सकते हैं और नहीं तो अगर अगल बगल में भी है कहीं तो वहाँ जाके आप बृहस्पतिवार के दिन जल ज़रूर चढ़ाइए। विष्णु भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो जितने भी हमारे कष्ट होते हैं, संतान संबंधी जो भी समस्या होती है, धन संबंधी जो भी समस्या होती है, वैवाहिक संबंध हमारा अच्छा नहीं रहता है, तो विष्णु भगवान की पूजा करने से हमारा वो कष्ट दूर होता है। और विष्णु भगवान का साक्षात रूप केले के वृक्ष में माना गया है, तो इसीलिए हमें केले के वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और दीपक तो सुबह के टाइम में हम जब जल चढ़ाएंगे तो उस समय जलाएंगे, लेकिन हमें शाम के टाइम में भी दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और हम 5 जगह पीला चंदन से हमें तिलक करना है और उस तिलक करने के बाद जो भी ये चंदन बचे, या आप हल्दी से भी तिलक कर सकती हैं, हल्दी भी बहुत शुभ माना जाता है, तो हल्दी से भी तिलक करने के बाद हम इस हल्दी को अपने माथे में टीका ज़रूर लगाना चाहिए। और माता लक्ष्मी के लिए हमें रोली का टीका लगाना चाहिए, रोली का टीका या सिंदूर का भी लगा सकते हैं माता लक्ष्मी के लिए, लेकिन विष्णु भगवान को पीला टीका और हल्दी लगाना बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। और जो ये हल्दी का हम टीका लगाए हैं उसको अपने माथे पर ज़रूर लगा लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और उसके बाद हमें दीपक जला लेना है, दीपक आप सुबह के टाइम में तो जलाएंगे ही, लेकिन शाम के टाइम में भी हमें संध्या के समय दीपक ज़रूर जलाना है। और केले के वृक्ष में सुबह शाम हमें बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर दीपक दिखाना चाहिए, आप व्रत करें या ना करें, क्योंकि टाइम तो आजकल उतना किसी के पास भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सब नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में जो भी खुशियां हैं विष्णु भगवान के आशीर्वाद से वो सब प्राप्त ज़रूर होंगी। और बृहस्पतिवार के दिन हमें किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए, उस दिन माता लक्ष्मी को अपने घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। कोई भी अगर कर्ज मांग रहा है तो बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन कर्ज ना दें।
और गुरुवार के दिन पूजा पाठ से भी जो संबंधित सामग्री है, जैसे मतलब रोली हुआ, चंदन हुआ, कुछ भी जो बर्तन है पूजा का, तो बृहस्पतिवार के दिन हमें नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ का सामान हमें इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। और इस दिन हमें बड़ों से झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। जितना ही घर में हम अच्छे से रहेंगे, आराम से रहेंगे, शांति से रहेंगे, तो हमारे घर में उन्नति होगी, तरक्की ज़रूर होगी, और जो भी हम चाहते हैं वो भगवान हमारी इच्छा ज़रूर पूरी। सुबह उठ के स्नान वगैरह करके हमें केले के वृक्ष में जल चढ़ाना है और हल्दी युक्त जल उस दिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और जो कुंवारी लड़की है उनको हल्दी युक्त जल से स्नान करना चाहिए, बाल धो के, यानी वो हल्दी युक्त जल से पूरे बाल से ही स्नान करेगी। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो उस दिन बाल उनको नहीं धोना है। और केले के वृक्ष में सुबह में ही पूजन करें और शाम के टाइम में दिया ज़रूर जलाना चाहिए। आप तेल का भी दिया जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं। तो इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। यही सब नियम पालन करने से हमारा जो बृहस्पति ग्रह है और मजबूत होता है, और जब बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है तो हमारे जीवन में धन संबंधी, संतान संबंधी, वैवाहिक संबंधी समस्या दूर हो जाती है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।